and making it full screen recording is started can you see the full screen now yes sir yes, yes sir. sir okay good so we we ended this lecture on the i mean in the last lecture in at this point we discussed this program in detail and i told that we will be discussing this number system uh, especially the binary number system in today's lecture binary number system

ठीक है जी उसमें काउंटिंग कैसे होगी जीरो टू नाइन ये तो टेन होंगे ही उसके बाद ए बी सी डी ई एफ अप एफ होगा तो टोटल तो ये सोलह होंगे तो दिस इज़ द बेसिक थिंग यू शुड नो अबाउट अबाउट नंबर नंबर सिस्टम्स सिस्टम्स कैन बी ऑफ एनी बेस अब यहां पे वी हैव ओनली बाइनरी and octal date number uh, octal number system means it has a base of 8 decimal number uh, hexadecimal means it has a base of 16. So these are the four number systems that we will uh, study in detail today. We will do some conversions. Uh, we, we might do one thing. Let's say uh, we have to convert 99. So let's say I want to uh, convert 20 which is a decimal number system into binary number system.

ठीक है कंपाइलर वी आर यूजिंग से हम लैंग्वेज तो आपका ये पूरा प्रोग्राम जीरो वन जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हर किसी का बैक एंड पे कुछ ना कुछ आ, आ, दे, देर इज ए असेंबली लैंग्वेज इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं एक्चुअली एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है आई डोंट वांट टू ब्रिंग असेंबली लैंग्वेज राइट नाउ इनटू दिस असेंबली लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से दैट वी हैव टू यार यस सो वी हैव टू कन्वर्ट आर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज व्हिच इज डन बाय द कंपाइलर एंड दैट मशीन लैंग्वेज इज इन टर्म्स ऑफ जीरो वन तो कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ जीरो में आता है लेट से अगर मैं यहाँ पे टाइप कर भी दूंगा तो वो साहिल बैक एंड पे जीरो वन के फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को समझ में आएगा एंड देन एनी इनफॉर्मेशन कैन बी एनकोडेड इन टू बास एंड जीरो भी हो सकता है ठीक है जी बिट की बात हो रही है एंड कलेक्शन ऑफ एट बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट सो दिस वाज ऑलरेडी विच आई कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ बिग नंबर हेयर अवेलेबल वन वन जीरो वन पॉइंट वन जीरो वन वन ये नंबर दिया हुआ है और दिस हैज ए बेस ऑफ टू दिस इज ए बाइनरी नंबर अगर आपको सिंपल ये नंबर लिखना होगा तो आप अपने शीट पे ऐसे भी लिख सकते हो वन वन जीरो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसका मतलब ये आई वांट टू बेस टेन बिफोर दैट आई टू गिव मोर थिंग एक छोटा सा यहाँ पे ना कैलकुलेशन हो रखा है आपके सामने तो पहले मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात से आई हैव वन नाउ to understand this thing you should understand your decimal number system suppose i write 99 ab 99 ka matlab kya hai base 10 mein it means ke ones place pe 9 hai aur tens place pe bhi 9 hai it means 9 into 10 plus 9 equal to 99 yahi hota hai ji ab isko main और simplify करके लिख सकता हूँ 99 नाइन इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू दी पार वन प्लस नाइन इंटू टेन टू दी पार अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी दिस इज नाइन्टी प्लस नाइन इक्वल टू नाइनटी नाइन इसमें कुछ इशू है किसी को क्या मैं नाइनटी नाइन को ऐसा के लिख रही हूँ लिख रहा हूं नो सर नो बहुत आसान है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सो दिस सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर योर बाइनरी नंबर सिस्टम सिस्टम आल्सो बिकॉज माय डेसिमल नंबर इसलिए यहाँ पे यूज करना पड़ा सिमिलरली इफ आई कन्वर्ट नाउ वन वन जीरो अगर मुझे ये करना मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट डिजिट ऑफ वन वन को मैं पार जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस जो सेकंड नंबर पे जीरो है जीरो को मैं टू इन टू रेस पर वन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सिमिलरली जो थर्ड वाला वन है उसको मैं टू 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 के साथ करूँगा एवरी टाइम वी आर जस्ट इम्प्रूविंग द पावर ऑफ टू तो यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी ये चीज हो रखी है आई एम क्लियरिंग माई ड्राॅइंग्स सो इट्स ऑलरेडी डन हयर आप

थाउजेंड्स तो उसमें ऐसे होता था ठीक है हम ऐसे कहते थे कि यार इट्स वन प्लेस टेंस हंड्रेड प्लेस थाउजेंड्स प्लेस टेन थाउजेंड प्लेस सिमिलरली इन दिस केस वी हैव द मल्टीपल्स प्लेस बिकॉज टूरिस्ट पर जीरो इज वन वन प्लेस टू प्लेस फोर एट प्लेसटीन प्लेस थर्टी टू तो वट एवर द पोजिशन इज यू हैकॉर्डिंगली नाउ वन वन जीरो वन कैन बी वेरी इजिल कन्वर्टेड आप क्या करोगे वन को मल्टीप्लाई करोगे टू टू दी पार जीरो के साथ यू विल गेट वन ओनली ठीक है ये one आ गया इंटू टू टू इज एंड टू इज एट सो आप इन सबको एड करो यू विल गेट थर्टीन ठीक है जी आप यहाँ पे आंसर फाइनल आंसर भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो थर्टीन तो है ही है लेफ्ट हैंड साइड पे अब पॉइंट के बाद वाले की भी बात कर लेते हैं ठीक है तो इन दिस केस जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे टू टू जीरो वन टू थ्री कर रहे थे इधर क्या करेंगे टू टू दी पार माइनस वन टू टू माइनस टू 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 दार माइनस थ्री टू टू दि पार माइनस फोर सो यू स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम माइनस वन ठीक है सबसे पहले तो वन इन टू 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 दाइनस वन

टू ऑक्टल कन्वर्जन अब देखो बाइनरी टू ऑक्टल है इसका मतलब बेस टू को बेस एट में कन्वर्ट करना है तो सीधा टू से एट कन्वर्ट करने के बजाय मैं क्या करूंगा मैं टू को पहले बेस टेन में लेके आऊंगा और बेस टेन को मैं बेस एट में लेके जाऊंगा और वो सीखेंगे अभी विद इन टू थ्री मिनट वी विल कम टू दैट ये आसान लगेगा आपको दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप बेस टेन में पहले कन्वर्ट कर लो फिर आप आगे काम करो सो वट एवर यू नंबर नंबर इज बिंग रिसीवर इट इज बेस टेन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो राइट द सेम थिंग एज दिस थर्टीन पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव इन ब्रैकेट विद बेस टेन आप इसको सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कोई डाउट है तो अभी पूछ लो

और उसके बाद मैंने यहाँ पे एम परसेंट करके कुछ लगाया था लेट से आर रेडियस लिया था सपोज है ना तो जो भी हम इनपुट ले रहे हैं वो जो एड्रेस है बैक एंड पे मेमोरी का मैंने बोला था कल के हम रैम में उसको एलोकेट कर देंगे एक लोकेशन उसको ऐसा कुछ मिलेगा और मैंने आर्बिट्रली बोला था कि वो 501 नंबर लोकेशन है बट व्हेन यू विल प्रिंट लेट से आप इस चीज को ही प्रिंट कर दो कि यार मुझे आर की वैल्यू की बजाय एम परसेंट ऑफ आर मुझे एड्रेस प्रिंट करवाना है ठीक है इफ यू गेट योर एड्रेस प्रिंटेड यू विल सी के उसका जो रिजल्ट आ रहा है इट इज हेक्साडेसिमल एक्चुअली बैक एंड पे वो जीरो जरूर संभाल रहा है बट जो उसका रैम है रैम इज वर्किंग विद हेक्साडेसिमल दिस इज केस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इन द रैम ऑल द एड्रेस विल बी हेक्साडेसिमल इन नेचर ठीक है जब मतलब सर हमें अगर उसका हम वो एड्रेस प्रिंट करवाना तब हाँ अगर आप एड्रेस ऑफ आर प्रिंट करवाओगे दिस इज एड्रेस ऑफ आर अगर आप एड्रेस ऑफ आर प्रिंट करवाओगे यू विल सी के उसमें ना मतलब प्रिंट एफ का यूज करेंगे उसमें हाँ प्रिंट एफ से ही होगा ओके okay. प्रिंट एफ करके आप एड्रेस ऑफ आर प्रिंट करवाना यू विल फाइंड दैट इट 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 इज ए हेक्साडेसिमल नंबर वहां पे कुछ वन ए टू बी ऐसे कुछ करके अजीब सा नंबर आएगा और वो अजीब okay. सा नंबर हेक्साडेसिमल होगा दिस इज ए हेक्साडेसिमल नंबर क्योंकि मैंने okay. बोला था हेक्साडेसिमल में जीरो टू नाइन एंड ए टू एफ होते हैं तो ऐसा कुछ आया तो इट मीन्स इट इज ए हेक्साडेसिमल ठीक है तो दैट इज ए यूज केस सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट यूज डिफरेंट नंबर सिस्टम्स सो बेस्ड इन एक बार समझ नहीं अरे बेस टेन तो नॉर्मल काउंटिंग है ना हमारी मैथ्स की जो हम बचपन से करते आ रहे हैं बेस टेन का मतलब है जीरो से नाइन तक के नंबर तो ये जीरो से नाइन तक okay. के सारे नंबर हैं इसमें जि जितने Thaken. भी हैं हाँ सारे जीरो से नाइन में ही हैं ओके सो मूविंग अहेड ओके हाँ सो दिस इज हाउ माय काउंटिंग लुक्स लाइक इफ आई गो थ्रू जीरो टू फिफ्टीन जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो ठीक है एंड सिमिलरली को लिख सकते हैं जीरो 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 क्योंकि अबव दिस थिंग एक सेकेंड में इसको ये um, यहीं पे आ रहा है ऊपर ठीक हट गया सो इफ यू लुक एट लुक हेयर केयरफुली द दूरिस्ट पर जीरो टूरिस्ट so, uh, पर वन टूरिस्ट पर टू टू पर फोर ठीक है अब शॉर्टेस्ट मेथड यूज करो सपोज मुझे फाइव बताना है तो फाइव कैसे होगा फोर प्लस वन तो जीरो वन जीरो वन तो फोर प्लस वन ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू राइट टेन तो टेन कैसे बनेगा एट प्लस टू ठीक है तो ये एट का हो गया ये टू का हो गया ये सब सबको समझ आ रहा है कि जो मेरी पावर्स हैं टूरिस्ट पर वन टूरिस्ट पर टू टूरिस्ट पर थ्री मतलब टूरिस्ट पर फोर है सीधा वो तो इसका मतलब हमारे जो वेट्स हैं दे आर एक्चुअली इक्वल टू वन टू फोर एट टूरिस्ट 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 पर जीरो, पर 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 टू, जो भी हमारे वेट्स हैं, वो हमारे 1, 2, 4, 8 है। number, 13, आ गयी की जगह पे। ये काउंटिंग समझ में आ कैसे चल रही है सबको so, नहीं समझ आया बता रहा हूँ देखो तेरा बनाने के लिए मेरे को क्या ये करना पड़ेगा एट प्लस फोर प्लस वन तभी तेरा बनेगा यस yes? yes, तो थर्टीन बनाने के लिए अगर मुझे ये नंबर चाहिए तो इसका मतलब मैं एट फोर टू वन जो वेट्स हैं उसमें से टू वाले को जीरो कर दूं बाकी सबको वन कर दूं और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड करे जाएंगे तो ये थर्टीन बना देगा वन इंटू एट प्लस वन इंटू फोर प्लस टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू वन इन सबको ऐड करोगे तो आपको थर्टीन मिल जाएगा येस और नो

क्योंकि मुझे नहीं यूज करना अगर भी यूज कर दिया तो वो 15 बन जाएगा तो सब को को तो 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 कर दोगे इसलिए 15 is equal to ये समझ में आ गया सबको अगर जो, से जो, कर सर से ऊपर का करना फिर भी आसान है तो इसके लिए ना कुछ नहीं करना बस एक लोकेशन एक हाँ आ, एक लोकेशन बढ़ा देंगे यहाँ पे तो मैं वहाँ पे पांच डिजिट्स यूज़ करूंगा। तो पांच डिजिट्स में पर जीरो, पर 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 थ्री, पर फोर तो यहाँ पे जो मेरे वेट्स होंगे इट विल बी अब मुझे बनाना है तो इट विल भी जीरो जीरो जीरो, जीरो है? ये मेरा हो जाएगा ऑफ बेस टेन अगर मुझे थर्टी बनाना है तो थर्टी कैसे बनेगा सोलह आठ चौबीस चौबीस और 6 तीस तो मैं वन 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 जीरो करूंगा तो दिस इज ऑफ बेस टू इक्वेल टू थर्टी इन बेस टेन ये सबको समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा यार मतलब बहुत आसान है जैसे यहाँ पे मैंने बोला बोला है तो हमें रुकने को किसने बोला? 1, 2, 4, 8 के थर्टी टू भी आता है भी भी आता है, 64 भी आता है 128 भी आता है तो जितना बड़ा नंबर चाहिए होगा हम उतना ही एक्स्ट्रा बिट यूज कर लेंगे और उसकी लेंथ बढ़ा के काम खत्म कर लेंगे अपना ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मुझे नाइन्टी बनाना है लेट से मुझे नाइनटी इन बेस टेन को कन्वर्ट करना है इन टू बेस टू तो 90 कैसे बनेगा सिक्सटी फोर तो आएगा आए ही आएगा सबसे पास 90 के सिक्सटी फोर है सिक्सटी फोर के बाद मैं सोलह ऐड कर देता हूँ एट्टी हो जाएगा एट्टी प्लस एट एट्टी एट एंड टू तो मेरे लिए आसान हो गया सिक्सटी फोर का वन थर्टी टू का ज़ीरो सिक्सटीन का वन सिक्सटी फोर और सिक्सटीन हो गया एट्टी प्लस एट एट्टी एट फोर नहीं चाहिए तो ज़ीरो कर दो टू चाहिए क्योंकि एट्टी एट प्लस टू इज नाइन्टी और वन नहीं चाहिए तो दिस इज़ द ऑफ इन बेस बाइनरी नंबर इज़ इसको फटाफट से करने का तरीका यही है आप लिख के कर कर लो लो चाहे मन में कर लो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. तो आप वेरीफाई कर लो 64 पे है तो 64 है, आएगा एट पे वन है तो एट तो भी आ जाएगा प्लस टू के ऊपर वन है मतलब Uh, नहीं टू आएगा यहाँ पे क्योंकि तो 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 भी हो गया जी जो हमारा था वो बाइनरी में कैसे शो होगा इट इक्वल टू वन जीरो को कोई डाउट तो नहीं है अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें फटाफट से ऐड कर दी है केबल में सिर्फ हमारे पास चार ही लोकेशन थी और चार लोकेशन का मतलब है वी हैव टू ओनली यूज फोर वीट्स एंड एट अब ये वन टू फोर एट आया कहाँ से था वी सेट कि हम इसको टूरिस्ट पर जीरो टूरिस्ट पर टू टूरिस्ट पर फोर ठीक uh, है अब ये टू की पावर में ही चलेगा ऐसे ही टूरिस्ट पर uh, मतलब फाइव ठीक है टूरिस्ट पर यहाँ पे थ्री भी आना था वन टू थ्री फोर हाँ तो ये काउंटिंग तो नॉर्मल चलेगी

अगर मुझे सिंगल बिट नंबर लिखना है कि भाई एक ही मेरे पास जगह है बेस टू में तो यहाँ पे या तो वन आएगा या फिर जीरो आएगा और कुछ तो हम डाल ही नहीं सकते इसमें अगर मेरे पास सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर है यस यस और नो सिमिलरली अगर मैं एक की बजाय दो जगह दू उसको तो दो के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे या तो वो जीरो जीरो हो जाएगा या जीरो वन हो जाएगा या वन जीरो हो जाएगा या वन वन हो जाएगा इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं बनेगा यहाँ पे Yes, अगर, अगर मेरे पास दो लोकेशन है अगर किसी को डाउट आ रहा है अभी पूछ लो यहाँ यहाँ पे मेरे पास दो लोकेशन हैं ठीक है मैंने बोला कि यार मेरी लेंथ ऑफ बाइनरी जो नंबर है इट इज इक्वल टू टू डिजिट्स अब टू डिजिट्स में तो या जीरो जीरो आएगा या जीरो वन आएगा तो सारे कॉम्बिनेशन यही है तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि भाई मेरी यहाँ पे चार की कैपेसिटी है चार नंबर आएंगे इसमें चार के अलावा पांचवा नंबर नहीं आ सकता वट एवर कॉम्बिनेशन यू चूज फॉर टू डिजिट्स यही चार आएंगे अब अगर तीन लोकेशन हैं तीन लोकेशन में जीरो 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 भी हो सकता है अप टू वन 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 तक जाएगा वो तो हाँ जी बोलो एनी डाउट उसके बाद वन जीरो जीरो के बाद आएगा वन जीरो वन फिर वन वन जीरो वन 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 तो अगर आप तीन लोकेशंस को देखोगे तो उसमें मेरे आठ नंबर आएंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन समझ में आ रहा है थ्री लोकेशंस एट नंबर्स अवेलेबल एट नंबर्स की हमारे पास कैपेसिटी है सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर है तो ओनली वन नंबर कैपेसिटी वन नंबर मतलब कि या तो वो वन होगा या फिर वो जीरो होगा ठीक है मतलब टोटल दो होंगे उसके वेरिएंट दो हो सकते हैं पर एक टाइम पे एक ही आएगा या वन आएगा या जीरो आएगा सिमिलरली अगर दो लोकेशन हैं लोकेशन वन लोकेशन टू तो उनके वेट्स भी अब ये इसको वेट्स ही समझ लो अगर ये वेट्स हैं तो वेट्स के हिसाब से जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो अगर वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन जीरो जीरो से लेके तीन तक की काउंटिंग हम टू प्लेसेज में कर सकते हैं अगर मेरे पास की लेंथ है बाइनरी नंबर की अगर मेरे पास तीन की लेंथ है तो मैं क्या कर सकता हूँ जीरो से लेके सेवन तक की काउंटिंग उसमें कर सकता हूँ बिकॉज जीरो टू सेवन कैन गिव मी दिस थिंग अगर आप इसको सिर्फ इतना हिस्सा देखो जब तक मैंने इसमें फोर्थ डेट नहीं लगाया तो तीन की जो कैपेसिटी है वो तो या फिर मुझे जीरो 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 देगी या जीरो 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 को डाउट तो नहीं है कि मेरे पास यहां पे एट डिफरेंट नंबर्स आए हैं एट डिफरेंट नंबर्स यूजिंग थ्री लोकेशंस अगर आप आगे भी देखोगे ना तो आगे जाके भी फर्स्ट तीन लोकेशंस तो मुझे यही सेम नंबर देने हैं ये रिपीट हो रहे हैं ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम है सिर्फ एक फोर्थ लो, जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है जीरो 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 एट टाइम था उसके बाद वन 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 एट टाइम है लेकिन ये वाले बॉक्सेस के अंदर एग्जैक्टली exactly सेम वही नंबर है एट डिफरेंट नंबर फॉर द थ्री डिजिट एनी डाउट इन दिस नो सर नो सर चलो ईजी था uh... अगर इसमें कोई और वेरिएशन होगा तो संभाल लोगे। से आई से भाई तुम्हारे पास फाइव ठीक है इतना समझ तो समझ में हाँ थर्टी टूरिस्ट पर फाइव होगा है ना अब देखो मैंने एक छोटी सी चीज यहाँ पे बतानी रहेगी कि अगर मेरे पास तीन डिजिट हैं, तो मेरे पास टोटल आठ नंबर आ रहे हैं आठ यूनिक है तो कैसे आया टूरिस्ट पर थ्री करके ठीक है अगर मेरे पास दो लोकेशन है तो उसमें सिर्फ चार कॉम्बिनेशन बनते थे 000, 01, 01, 01, 01. तो थर्टी टू डिफरेंट तो नंबर इसमें आ सकते हैं यस yes? तो yes, हाँ तो ये हो गया आसान मूविंग हेड अब देखो एक कंसेप्ट है यहाँ पे वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ Uh, सिर्फ अभी तक बात रहे थे काउंटिंग की जीरो टू फिफ्टीन हमने पीछे टेबल देखा, इसमें की कोई बात नहीं हुई अब हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करेंगे और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइंडरी में तो मैं उसको कैसे करूंगा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ये है कि यू हैव टू डू वन कॉम्पलीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट होता है ये फ्लिप ऑल जीरोज एंड वन अब पहले ना हम एक एक काम करते हैं मुझे चाहिए माइनस वन तो मैं क्या करूं पहले तो मैं वन को पकड़ू वन क्या होता है मुझे पता है इट इज इक्वल टू जीरो 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 नो यही था वन टू फोर एट तो साथ. इसके बेसिस पे वन को हम बोलेंगे जीरो वन uh, अब फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे लिखी है इट इज फ्लिप जीरो वन फ्लिप करने का मतलब है कि सारे के सारे जितने भी जीरो बन उनको उल्टा कर दो तो मतलब ये बन गया one, one, इस फ्लिपिंग को हम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं ठीक है जी इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इफ आई एम फ्लिपिंग ए नंबर अगर मुझे लेट से ये नंबर दिया हुआ था वन जीरो uh, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है कुछ नहीं करना सबको उल्टा कर दो वन का जीरो कर दो जीरो का वन कर दो एवरी टाइम ठीक है दिस इज माय वन कॉम्प्लीमेंट इस पार्ट पे उसके बाद बोला एड वन अब एड वन करोगे तो वन प्लस वन कितना होता है तो

तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको हम सीधा पहले ऐड कर देते हैं जीरो प्लस वन क्या होगा वन होगा one. है ना और उसके बाद बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे यस एजेटिव आजेंगे तो क्या sir. मैं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ माइनस वन इज इक्वल टू दिस थिंग यस सर यही चीज तो यहाँ पे गिवन है टेबल में सिमिलरली हम चेक करते हैं थ्री का वेरीफाई करते हैं कि थ्री का क्या मेरा आंसर वन वन जीरो वन ही आ रहा है

मतलब अगर मैं माइनस वन को प्रेजेंट करना चाहता हूँ इसका मतलब मुझे पहले तो वन उठाना पड़ेगा इन बाइनरी ठीक है उस वन को मैं टूज कॉम्प्लीमेंट करूंगा टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो एक ना पे मैं और करके लिखता हूँ अब यहाँ पे बोला गया कि मुझे नेगेटिव बाइनरी नंबर लेना है उसके लिए मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट मीन वी हैव टू डू वन कॉम्प्लीमेंट एंड आफ्टर डूंग रिजल्ट होगा सिमिलरली अब टूज कॉम्प्लीमेंट अब जैसे करा तो उसके लिए मुझे वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है प्लस वन करना है आसान हो गया तो इसको मैं दोबारा से वन को ही सॉल्व करता हूँ लेट सेम मुझे बोला गया कि मुझे वन का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है के भाई प्लीज फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन ओके नाउ वट टू डू इन दिस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन मीन्स दैट फर्स्ट आई विल राइट वन एज इट इज ठीक है दिस इज माई वन एज इट इज नाउ आई विल डू द विस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट पहला स्टेप है आई हैव टू डू वन कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू वन 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 जीरो हो गया वन कॉम्प्लीमेंट ओके एंड इफ आई डू अब देखो यार का ना एक तो uh, shortest thing आप uh, मतलब इतना रट्टा मार लो इतना याद कर लो कि आपको फ्लिप करना है flip करोगे तो होगा। इसका एक और तरीका होता है। अगर मुझे जीरो 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 निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्चुअल में ये है वंस कॉम्प्लीमेंट मीन दैट यू हैव टू राइट वन 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 उसके ऊपर एंड यू 0. 1 0 will be 1, 1, 1, ऐसे करके अगर आप वन 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 में से माइनस करोगे उस नंबर को तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही है लेकिन एज ए शॉर्टकट वी से कि आप बस फ्लिप कर दो फ्लिप कर दोगे तो वो चीज मेरी वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा हमें अब वन कॉम्प्लीमेंट अगर हमने निकाल लिया तो बस एक प्लस वन करना है प्लस वन करोगे तो वो वन 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 दे देगा एंड वन 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 नाउ इज कॉल्ड द टूज कॉम्प्लीमेंट

अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिफ्टीन है कि माइनस वन है अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है साइंड नंबर वर्सेज अनसाइंड नंबर अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इट इज ए साइंड नंबर साइंड नंबर का मतलब है कि नेगेटिव नंबर होगा तो उसके आगे वन होगा उसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा ना सबसे लेफ्ट वाला इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कि अगर उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर उसका वन होगा देन इट इज ए नेगेटिव नंबर ये सारे नेगेटिव नंबर हैं ठीक है अब यहाँ पे देख सकते हो माइनस वन से माइनस एट ये सारे नेगेटिव नंबर हैं यहाँ पे माइनस वन टू माइनस एट ठीक है तो माइनस वन टू माइनस एट वाले नेगेटिव नंबर हैं और इसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अब इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट भी क्यों बोला गया है उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है यू हैव दिस पॉवर टूरिस्ट पर जीरो टूरिस्ट पर वन तो जैसे वन टू फोर एट करोगे तो मैक्सिमम वेट हमारा आखिरी वाली वेट लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है सबसे ज्यादा वेट मेरा सबसे लेफ्ट वाली बिट पे होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे कम वेट इसका राइट हैंड साइड पे होता है तो इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट नाउ इफ माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज इक्वल टू वन फॉर ए साइंड नंबर दिया होगा क्वेश्चन में कि साइंड नंबर है देन इट इज योर नेगेटिव नंबर अगर साइंट नंबर का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो तो वो एक पॉजिटिव नंबर है ठीक है जी ये एक टेक्निक है याद करने की कि आपको क्वेश्चन में गिवन है इट इज ए साइंड नंबर देन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इफ इट इज इक्वल टू वन तो वो सारे नेगेटिव नंबर के तरह ट्रीट होंगे तो अब देखा जाए तो जो माइनस थ्री है माइनस थ्री कैसे आया मैं बड़ी जल्दी से करूंगा इसको जीरो जीरो वन वन वी है ये मेरा नॉर्मल थ्री नंबर है मतलब ये बेस टू है एंड दिस इज इक्वल एन टू थ्री डेसिमल है ना नॉर्मल देखा जाए तो लेकिन अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है माइनस थ्री में मैं क्या करूंगा सबसे पहले वन कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा वन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वन 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 माइनस जीरो जीरो वन वन तो इसका आज वन वन जीरो जीरो तो इसका एक शॉर्टकट ये भी था दैट वट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली फ्लिप दीज डिजिट जीरो जीरो फ्लिप कर दो इट विल बी वन वन जीरो जीरो इसमें प्लस वन करोगे तो इट विल बी वन वन जीरो वन तो वन वन जीरो वन जो आया है यहाँ पे इट इज इक्वल टू माइनस थ्री नाउ वन वन जीरो वन अगर हम हमें दिया होता कि अनसाइन नंबर है अगर ये अनसाइंड नंबर होता फिर तो हम इसको नॉर्मल देखते वन टू फोर एट और हम इसको बोलते कि ये थर्टीन है लेकिन ये दिया हुआ है कि हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है एंड नेगेटिव नंबर्स की बात करना मतलब हम अनसाइंड की नहीं साइंड की बात कर रहे हैं और अगर साइंड की बात कर रहे हैं तो वन वन जीरो वन इज इक्वल टू इसको अगर हम इक्वेलेंट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आया है ये माइनस ठीक है तो माइनस का वी हैव गॉट वन वन इसमें किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ के आना की टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ठीक है टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद डायक्टली एड वन कर दोगे तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा यहाँ पे एक कंसेप्ट है टू साइंड नंबर का तो उस चीज का ध्यान रखना है इनफैक्ट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड अभी आगे जाके ये आना था साइंड और अनसाइंड तो इसके ऊपर हम आएंगे कल और डिटेल में नेक्स्ट uh, लेक्चर में वी विल टॉक इट दिस इन डिटेल आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन मंडे नाउ सो वी विल टॉक दिस इन डिटेल टिल देन जस्ट गो थ्रू वट एवर है टॉट

माइनस yes, फोर का लेट मी सी मैं जल्दी से इसको करता हूँ फोर क्या होता है फोर होता है जीरो वन जीरो जीरो इसका वन कॉम्प्लीमेंट होगा वन जीरो वन वन इसमें प्लस वन करेंगे तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टेन क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वन प्लस वन है टू होता है और टू मेरा टेन होता है तो वन प्लस वन तो जीरो हो गया ऊपर वन आ गया वन प्लस अगेन टेन यहाँ पे ऊपर वन आ गया वन तो ये इलेवन ठीक तो है यार यस सर ओके सर ठीक है थैंक यू सो आई हैव ऑलरेडी i mean i have recorded this lecture now reposing the